हम साहस और बहादुरी के प्रतीक वीर चक्र कैप्टन जिंटू गोगोई की पुण्यतिथि के पवित्र अवसर पर उनकी श्रद्धेय स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कैप्टन जिंटू का जन्म असम के गोलाघाट जिले के एक छोटे से शहर खुमताई में हुआ था। 29 जून 1999 की रात को कैप्टन जिंटू गोगोई को बटालिक सबसेक्टर में LOC के पास रिज लाइन काला पत्थर से दुश्मनों को खदेड़ने का काम सौंपा गया था। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और शीर्ष पर पहुंच गए। हालांकि वह तुरंत दुश्मनों से घिर गया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने वीरता और गरिमा के साथ लड़ने का सम्मानजनक तरीका चुना। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने से पहले कैप्टन जिंटू गोगोई ने दुश्मन पर गोलियां चलाकर 2 दुश्मन सैनिकों को मार डाला, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके समूह ने सुरक्षा के लिए कवर ले लिया है। उन्होंने सबसे विशिष्ट बहादुरी, कर्तव्य के प्रति अद्वितीय समर्पण और सबसे असाधारण स्तर के नेतृत्व का प्रदर्शन किया। राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए निस्वार्थ समर्पण उनके उल्लेखनीय चरित्र का प्रमाण है। 15 अगस्त 1999 को कैप्टन जिंटू गोगोई को वीरता पुरस्कार वीर चक्र दिया गया। कैप्टन गोगोई की विरासत प्रेरणा की किरण के रूप में काम करती है, देशभक्ति की लौ जलाती है और हमें अपने बहादुर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता के गहरे ऋण की याद दिलाती है। आज हम कैप्टन जिंटू गोगोई की स्मृति को सलाम करते हैं, उनके अटूट साहस और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को संजोते हैं। उनकी निस्वार्थता वर्तमान और भावी पीढ़ियों को हमारे महान राष्ट्र की सेवा में वीरता और बलिदान के गुणों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती रहेगी।